अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। साउथ एशिया का बहुत ही पॉपुलर और हेल्दी डेजर्ट है, नॉर्दर्न इंडिया में भी काफ़ी फेमस है और इसे सीखा मैंने अपनी दादी से है। दादी बचपन में मेरे लिए बनाया करती थी, मैंने उन्हें बनाते हुए देखा था। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ईजी है और काफ़ी हेल्दी है। घी डाला है पैन में मैंने, घी थोड़ा सा गर्म हो गया तो इलायची डाल दिया था। उसके बाद रोटी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डाला है और एक मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है घी में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने ग्रेट करके डाला है नारियल और काजू, बादाम, वाटरमेलन सीड्स और किशमिश। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो वो डालिएगा, बेसिकली हमें इसको हेल्दी बनाना है और ऑब्वियसली टेस्ट तो अच्छा आएगा ही। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया है, हेल्दियर अल्टरनेटिव भी बता दूंगी आगे। तो चीनी को मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम यहाँ पर स्लो रखेंगे इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर रोटी और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो रहे हैं, साथ ही चीनी डिज़ोल्व हो रही है, लेकिन चीनी जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर घी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डालेंगे दूध। दूध डालने से चीनी का क्रिस्टलाइजेशन रुक जाएगा, क्रिस्टलाइज नहीं होगी चीनी, कड़क नहीं होगी और इस मलीदे पर एक ग्लॉसी और शाइनी टेक्सचर आ जाएगा, एक चाशनी जैसी फॉर्म हो जाएगी। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा, यानी कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए बनाकर। तो ये काफ़ी हेल्दी, इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मलीदे को आप और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं गुड़ ऐड करके या तो फिर खजूर ऐड करके। और रोटी को हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, जो चपाती नॉर्मली हम बनाते हैं ना वही है। इसे आप बची हुई रोटी के साथ भी बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है और इजी है इसे बनाना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।